So hello everyone, this is Snehil Srivastava and in this session we are going to do the Hindu analysis for UPSC aspects. So आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलता है इंडिया कॉटन एक्सपोर्ट्स में मिस फोरकास्ट ऑन हाई प्राइसेस. नाउ इस आर्टिकल में ये आर्टिकल है पेज नंबर 14 पे द हिंदू न्यूज़पेपर के. एंड नाउ इस आर्टिकल में कॉटन के बारे में बात की गई है. मतलब ऐसा बोला गया है कि जो कॉटन के प्राइसेस हैं इंडियन फार्मर्स ने जो एक्सपेक्ट किए थे उतने नहीं जा पाए और इंटरनेशनल मार्केट में इसके प्राइसेस अभी कम चल रहे हैं, तो इस वजह से जो एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है. इंडियन फार्मर्स उतना कॉटन सेल ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको वो प्राइस नहीं मिल पा रहा. लेकिन ये आर्टिकल हमें इस पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना. इस आर्टिकल में कॉटन ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉटन के बारे में हम लोग जानेंगे. ठीक है. नाउ कॉटन जो है एक टाइम पे वाइट गोल्ड बोला जाता था और ये सबसे इम्पॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप भी है. नाउ वर्ल्ड के नेचुरल फाइबर्स में कॉटन का जो परसेंटेज है वो 80% है और टोटल फाइबर्स में जो कॉटन का परसेंटेज है वो 40% है. और साथ ही साथ इंडिया जो है कॉटन का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बाय प्रोड्यूसिंग 22% जो वर्ल्ड की कॉटन होती है उसमें से 22% जो शेयर होता है वो इंडिया का अकेला होता है. नौ कॉटन की हिस्ट्री के बारे में अगर जाने तो ऐसा माना जाता है कि हिंदू के जो स्क्रिप्ट्स हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि 1500 BC में कॉटन कल्टिवेट होता था. कॉटन की चीज़ें मतलब क्लोथ्स या जो भी चीज़ें हैं वो बनती थी. और उसके बाद हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉटन का कल्टिवेशन स्टार्ट हुआ 3000 BC में. एंड उसके बाद 5000 BC मेहरगढ़ में अभी रिसेंटली ये पाया गया, मतलब ये एक्सकेवेशन हुआ वहाँ पे ये मिला कि मेहरगढ़ की एक साइट है जहाँ पे 5000 BC के टाइम पे कॉटन का कल्टीवेशन होता था. ना ये तो हिस्ट्री थी कि कब से कॉटन चला आ रहा है और आगे की हिस्ट्री मतलब और ज़्यादा जब डिस्कवर किया जाएगा तो मे बी इसके पहले से कॉटन चल रहा हूँ, बट अभी तक तो 1500 BC तक का ही पता चला है. ना कॉटन की ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, मतलब हम ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं ना. ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव मतलब कि कॉटन की ग्रोथ के लिए क्या कितना टेम्परेचर होना चाहिए. तो कॉटन जो है हाई टेम्परेचर पे ग्रो होता है और एक लॉन्ग वेजिटेशन पीरियड इसे चाहिए होता है. साथ ही साथ इसको एम्पल सनशाइन मतलब कि प्रॉपर सनशाइन चाहिए होती है, ड्राई क्लाइमेट होता है और 500 mm से ज़्यादा रेनफॉल इसको चाहिए होती है. ब्लैक कॉटन सॉइल जो कि महाराष्ट्र रीजन में ज़्यादा पाई जाती है और वाटर लॉगिंग ना हो तो ज़्यादा बेटर होता है. मतलब वाटर लॉगिंग अगर है तो फिर वहाँ पे कॉटन ग्रो होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ना ये सारी बातें थी कॉटन को लेकर के, इससे ज़्यादा इस आर्टिकल से रिलेटेड कोई बात नहीं है. नेक्स्ट आर्टिकल पे हम आते हैं G7 कंट्रीज. इसके राइट में ये जो आर्टिकल दिया है G7 लुकिंग एट रशिया ऑयल प्राइस कैप ऑफ $65 to $70 पर बैरल. तो यहाँ पे G7 कंट्रीज रशिया के जो ऑयल कैप है प्राइसेस हैं उनके ऊपर नज़र रख रही है. फिलहाल ऑयल कैप के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ सकते हैं घट सकते हैं, रशिया अपने हिसाब से उनको चेंज करता रहेगा और हमें वो जितनी बार चेंज करे याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. ये सारे जो पॉइंट्स हैं हमें इन पे फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है G7 कंट्रीज़ पे कि G7 कंट्रीज़ क्या हैं, क्या पर्पज़ है, क्यों बनी है, इनमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं. तो सबसे पहली बात कि G7 कंट्रीज़ जो है उनमें कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, तो G7 में सारे डेवलप्ड नेशंस आते हैं जैसे USA, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान. मतलब जितने अच्छे नाम हम लोगों ने सुन रखे हैं वो सारे G7 कंट्रीज़ में आ जाते हैं. नाउ अभी जो इसकी लास्ट समिट हुई वो 2022 में हुई, 48th समिट, एंड इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था. 6 लोग को इनवाइट किया गया था, 6 कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया था G7 की इस समिट में, 6 कंट्रीज़ को, जिसमें से इंडिया भी एज अ गेस्ट नेशन इनवाइटेड था. तो ये ध्यान रखना इंडिया इस समिट में गेस्ट नेशन के तौर पर गया था ना कि वहाँ का मेंबर बन करके. नाउ इस 48th समिट में ये बात किया गया कि फ्री एक्सप्रेशन का मतलब जो फ्री एक्सप्रेशन है ऑनलाइन और ऑफलाइन उसको डिफेंड करने की बात करी गई है. मतलब कि जैसा हमने देखा है कि किसी ने कुछ पोस्ट किया और उसके अगेंस्ट कोई मतलब चाहे सरकार की तरफ से या फिर किसी और की तरफ से कोई एक्शन लिया गया. मेनली यहाँ पे सरकार की बातें की जा रही हैं कि एक फ्री एक्सप्रेशन होना चाहिए लोगों का, मतलब कि लोगों को ये अलाउ करना चाहिए कि वो अपनी चीज़ों को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें. मतलब कि हम इसमें देख सकते हैं कि जो G7 का फ्री स्पीच पे बोलना था इस 48th समिट में
इसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरह से ये जो सोसाइटी एक्टर्स होते हैं, मतलब कि सिविल सोसाइटी के एक्टर्स हैं, उनको फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जानी चाहिए। मतलब कि अगर कोई अपनी वॉइस रेज कर रहा है किसी चीज़ को कंसर्न हो करके, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो या फिर क्राइम हो या फिर कुछ भी हो या फिर गवर्नमेंट के लिए कोई बात है, तो उससे रिलेटेड कोई बात है, तो उसके ऊपर अगर वो अपनी कंसर्न या फिर अपनी वॉइस रेज कर रहा है तो उसको फ्रीडम प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये कहना है G7 नेशंस का। नौ यहाँ वही मीडिया को थोड़ा सा और ओपन करना चाहिए, ये सारी बातें बोली गई हैं। इसके साथ साथ G7 लीडर जो है उन्होंने $600 बिलियन का एक प्लान भी प्रेजेंट किया है, जिससे वो चाइना का जो इमर्जिंग, एक चाइना जिस तरह से इमर्ज हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, और एक पावर, मतलब कि काफ़ी पावरफुल कंट्री के तौर पे वो दिखता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो डिफेंस हो, या फिर कोई भी किसी भी एस्पेक्ट में देखा जाए तो चाइना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नेशन की तरह निकल के आ रहा है। तो उसका जो प्रेजेंस है वो अदर कंट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जैसे उसकी चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, जिसमें चाइना जो है अदर कंट्रीज़ में को लोन देता हैवी लोन्स, और उनके बेकार से बेकार प्रोजेक्ट को हैवी लोन दे करके जब वो फेल हो जाता है तो उस एरिया को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इस तरह से वो अंडर डेवलप्ड नेशंस को धीमे धीमे उसके पोर्ट्स लेता जा रहा है, और इसका यूज़ करेगा वो फिर बाद में मिलिट्री या फिर एनक्रोचमेंट के लिए, या फिर और अदर पर्पसेस भी हो सकते हैं, उसके बिजनेस के पर्पस हो सकते हैं या कोई और पर्पस। तो इन सब चीज़ों को, ये बॉर्डर रोड और साथ ही साथ चाइना का बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, उसको टैकल करने के लिए, उसका प्रेजेंस कम करने के लिए ये जो G7 लीडर्स हैं इन्होंने $600 बिलियन का प्लान प्रेजेंट किया है, जिससे कि ये अंडर डेवलप्ड नेशंस की हेल्प खुद से कर सकें और उनको एक फेयर तरीके से लोन दे सकें उनके अच्छे प्रोजेक्ट पे, जिससे कि वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो और उनकी जो लैंड है, उनका जो एरिया है, वो किसी और कंट्री को ना देना पड़े। इसके बाद आता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, मतलब कि G7 इस समिट में ये भी बोला कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने G7 समिट में क्लीन एनर्जी मार्केट के लिए भी बोला है कि इंडिया को, इंडिया में जो इंडिया क्योंकि डेवलपिंग नेशन है तो इसमें जो G7 नेशंस हैं वो इन्वेस्ट करें, जिससे कि क्लीन एनर्जी की मार्केट इंडिया में और ज़्यादा बढ़ सके और क्लीन एनर्जी का जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में हो सके। जब इंडिया में होगा तो इंडिया अदर कंट्रीज़ की भी हेल्प करेगा साथ ही साथ। तो ये तो कुछ बातें थी जो G7 की 48 समिट में डिस्कस की गई। अब हम लोग चलते हैं G7 के डिजिटल ट्रेड प्रिंसिपल्स पर। G7 का जो डिजिटल ट्रेड प्रिंसिपल्स है ये थोड़ा सा अच्छा भी है और बुरा भी हम कह सकते हैं। फिलहाल इस टाइम पे G7 नेशंस के लिए काफ़ी अच्छा होगा, जैसा कि एक टाइम पे G7 के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा था, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज जो अभी हैं USA, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, इनके लिए एक टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छा था, ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छा था। लेकिन आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन को रोकना चाह रहे हैं, ये सिक्योरिटाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सिक्योरिटाइजेशन क्या है? सिक्योरिटाइजेशन का मतलब है कि जो बाहर से सामान आ रहा है उनके इम्पोर्ट पर, मतलब कि जो इंडिया या चाइना या कोई और कंट्री उनके यहाँ भेज रही है उनके ऊपर टैक्स लगाना या टैक्स ज़्यादा लगाने का काम वो करना शुरू कर रही है, जिससे कि बाहर के आए हुए प्रोडक्ट उनकी कंट्रीज़ में महंगे बिकें, और जब महंगे बिकेंगे तो लोग वहाँ की कंट्रीज़ के प्रोडक्ट ज़्यादा बाय करना प्रेफर करेंगे। इसको सिक्योरिटाइजेशन बोला गया है। तो एक टाइम पे तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ पहले बहुत बोल रही थी कि हमें ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन अब जब ये ग्लोबलाइजेशन इनके लिए हार्मफुल प्रूव हो रहा है और डेवलपिंग नेशंस के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो रहा है, तो इस टाइम पे ये ग्लोबलाइजेशन को सिक्योरिटाइजेशन की तरफ ले जाना चाह रहे हैं ना। इसके साथ साथ अब ये क्या कह रहे हैं इस ट्रेड प्रिंसिपल्स में, डिजिटल ट्रेड प्रिंसिपल्स में, इनका कहना है कि ये क्रॉस बॉर्डर डेटा यूज़ को और डिजिटल ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, गवर्न करना चाहते हैं। मतलब गवर्न कब करेंगे? जब ये ट्रेड होगा, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स होंगे। तो ये ओवरऑल कहना चाह रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को हमें प्रमोट करना है, ऐसा इनका कहना है ना। इसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि ओपन डिजिटल मार्केट होनी चाहिए, मतलब जो डिजिटल मार्केट है उसे ओपन रखो। जैसे एक टाइम पे बोलते थे कि अपनी कॉमर्शियल मार्केट को ओपन रखो इंडिया से या फिर अदर कंट्रीज से, उसी तरह अब क्या कहते हैं, अभी कह रहे हैं डिजिटल मार्केट को ओपन रखिए।
फिर है क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो होने दीजिए, मतलब इंडिया का डेटा आप बाहर जाने दीजिए, इसमें रुकावट मत लाइए अदर नेशंस से जो डेवलपिंग नेशंस हैं भी। और वर्कर, कंज्यूमर और बिजनेसमैन को सेफ गार्ड प्रोवाइड करना, डिजिटल ट्रेडिंग सिस्टम लाना, फेयर एंड इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस, मतलब कि पूरे जो ग्लोब है उसमें जो डेटा है उसका पूरी तरह से गवर्नेंस होना प्रॉपर तरीके से, और डिजिटल ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे अप्लाई होना। तो इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सारे रूल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि जब इन डेवलप्ड नेशंस को अपने अकॉर्डिंग, मतलब ये सारे रूल्स को अपने अकॉर्डिंग ही सेट करते हैं, जब इन्हें इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए होता है तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, खूब ढेर सारा पॉल्यूशन करते हैं, और जब पॉल्यूशन लेवल बहुत बढ़ गया तो अब इनका कहना है कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, मतलब कि पॉल्यूशन को रोक देना। ओवरऑल पॉल्यूशन कब होगा, जब आदमी नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आएगा, डेवलपमेंट करेगा। तो ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं डेवलप कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को, कि आप ज़्यादा डेवलपमेंट पे पैसे खर्च मत करिए, ज़्यादा पॉल्यूशन मत कीजिए। पहले ग्लोबलाइजेशन के लिए भी इन्होंने बोला, जब अब ये ग्लोबलाइजेशन इनके लिए दिक्कत बन रहा है, क्योंकि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनका जो ट्रेड है वो सरप्लस होता जा रहा है, मतलब उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता जा रहा है और इनका जो ट्रेड है वो डेफिसिट होता जा रहा है धीमे धीमे, पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में अगर इसी तरह रहा तो ये ट्रेड डेफिसिट में डेवलप्ड कंट्रीज चली जाएंगी। ट्रेड डेफिसिट मतलब बाहर से सामान ज़्यादा आ रहा है और यहाँ से, मतलब उनकी पर्टिकुलर कंट्रीज से जा कम रहा है, तो ओवरऑल उनकी कंट्री का पैसा बाहर नेशंस में जा रहा है, उनकी इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो इस वजह से अब वो ग्लोबलाइजेशन रोक रहे हैं। अब यहाँ डेटा की बात है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे फेसबुक, गूगल, अमेजन, ये इस तरह की जो कंट्रीज हैं, सॉरी कंपनीज हैं, ये कंपनीज इनके नेशंस में है, डेवलप्ड नेशंस में है, डेवलपिंग नेशंस में ऐसी कंपनीज कम हैं जो डेटा को कलेक्ट करें डिजिटल लेवल पे। तो अब ये देख रहे हैं कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनके पास डेटा बहुत ज़्यादा है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और इस डेटा का ये यूज़ अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए कर सकते हैं, या उसको ट्रेडिंग या सेलिंग करके, या फिर उसका यूज़ ही करके, लेकिन इससे उनको प्रॉफिट होगा। और डेवलपिंग नेशंस को इससे कुछ खास प्रॉफिट नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये कंपनीज डेवलपिंग नेशंस में है ही नहीं। इसीलिए डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी इंडियन गवर्नमेंट लेकर के आई है, डेटा प्रोटेक्शन बिल है, ई कॉमर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस लेके आई है, जिससे कि हमारा जो ट्रेड है वो मेंटेन रहे, जो हमारा एक इकोनॉमी है, हमारी जो सिचुएशन है, वो ऐसा ना हो कि ये पावर बाहर की कंट्रीज में जाना शुरू हो जाए। क्रॉस बॉर्डर डेटा को इंडिया, अभी मैंने देखा, अभी तक तो मैं यही समझ पा रहा हूँ कि पर्सनल डेटा जितना है उसे क्रॉस बॉर्डर फ्लो होने से इंडिया अपने पॉलिसी में रोकने की कोशिश पूरी तरह से कर रहा है और आगे भी करेगा। ये जो G7 कंट्रीज का था,